प्यारे बच्चों, आपका डीवाई इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपांशु और आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का पहले पाठ का जो 2 बचे हुए पद हैं उन्हें पढ़ाएंगे। अगर आपने सूरदास के पद का पहला पार्ट, मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और उसको देखें। उसमें मैंने सूरदास जी का जीवन परिचय भी बताया है। उसके बाद आप मेरा यह वीडियो देखें जिससे कि आपको यह सूरदास जी के पद का चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला पद देखते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम आपको एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे, आप अपनी नोटबुक में उसे लिखते जाइएगा। चलिए देखते हैं, पहली लाइन देखिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। क्या कहा जा रहा है इसमें? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। आपको हारिल पक्षी के बारे में नहीं पता होगा, हम आपको बताते हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैर में एक लकड़ी दबा के रखता है और किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो हारिल पक्षी की इस विशेषता के कारण यहाँ पर उसका उदाहरण लिया गया है और गोपियाँ श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मतलब कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मनक्रम वचन नंद नंदन उर, मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है, दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह कान्ह जकरी। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं, कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, जो करवी ककरी। हमें तो जोग का या नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो, जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सूतो व्याधि हमको ले आई, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, देख सुनी न करी। जिस प्रकार योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा, ना उसके बारे में कभी सुना है, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। यह तो सूर तिनही ले सौंपो, यह तो सूर तिनही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसके बाद गोपियाँ क्या कहती हैं? सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो, इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चकरी के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक लाइन
अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आप ध्यानपूर्वक ऐसे ही सुनते जाइए, इससे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी जो होता है वो मास गेनिंग सब्जेक्ट होता है, और क्लास टेंथ का हमारा पहला ये जो बोर्ड एग्ज़ाम होने रहता है, हम इसको पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास टेंथ में अपनी लाइफ में देते हैं, तो इसमें हमें मास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप मेरे हर वीडियो को ध्यानपूर्वक सिर्फ एक बार देख लेंगे तो आपको हिंदी में मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको हमेशा अच्छे से अच्छे मार्क्स हिंदी में मिलेंगे। चलिए अब दूसरा जो आपका आखिरी पद है उसे हम देखते हैं। चलिए आखिरी पद जो है आपका, इसमें क्या कहा जा रहा है, हरी हैं राजनीति पढ़ियाएं, हरी हैं राजनीति पढ़ियाएं, गोपियां उधों से कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, समझियो बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, समाचार सब पाए, हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी, हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण का सभी समाचार ले लिया है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, एक तो तुम पहले से ही चतुर हो और अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ भी पढ़ आए हो, उनकी श्री कृष्ण जी की बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, उधव बड़े लोग आगे के परहित ढोलत ढाए, हे उधव, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है, हे उधव, पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। परहित डोलत का डोलत ढाए का मतलब है जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, अब अपने मन फेर पर ही है, चलत जूहू तो चुराए, अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसलिए हमारा मन मथुरा जाते समय वे अपने साथ ले गए थे, अब हमें वो वापस चाहिए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के आखिरी में देखिए लास्ट लाइन क्या कहा जा रहा है, राज धर्म तय यह सूर, राज धर्म तय यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। इसमें क्या है, सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए, इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन देने आना चाहिए। अब सूरदास जी के जो पद हैं इस चैप्टर का यहीं पे अंत होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के दोनों पद समझ में आए होंगे। अगर बच्चों आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए जब आप अपने आप पढ़ेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपकी उस परेशानी का निवारण करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें।